चाहिए जिससे वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा का पात्र बन सके। ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे प्रश्न कहते हैं, पुत्र के घर संतान नहीं, उधर पुत्री के घर संतान नहीं, बांवरे से हुए हुए क्या मैं इस जीवन में कभी दादा और नाना नहीं बन पाऊंगा। ऐसे लोग हैं, आपको पता लगे कि ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए परमात्मा के दरबार से प्रार्थना करो, परमात्मा मेहर कर इनके ऊपर, ये क्या चाह रहा है। क्या दादा नाना बनना ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए ये रो रहा है, जिसके लिए ये इतना ललायत हो रहा है। मेहर कर परमात्मा, इसके अंदर से ये गंदी कामना निकाल दे, या फिर कृपा कर इसका भजन पाठ छूटा हुआ है, इसकी सारी की सारी एकाग्रता तेरे पर नहीं, इसकी सारी की सारी एकाग्रता उस पर, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी तहां जाता है, कभी वहां जाता है। मेहर कर परमात्मा, जो तुझे उचित लगे परमेश्वर, तेरे दरबार में अर्जी रखती है, स्वीकार करना ना स्वीकार करना परमात्मा तेरे अधीन है। मुझे कुछ बता, मैं क्या कर सकता हूं, परमात्मा से पूछो, परमात्मा तू चाहे तो मैं उस व्यक्ति के लिए 5 अमृतवाणी के पाठ रोज उनका पुण्य तुझे दे सकता हूं, तू उसे दे, मेरे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है कैसे दिया जाता है, तू दे सकता है, मैं तेरी चरण शरण में समर्पित करता हूं 5 अमृतवाणी का पाठ, जो उसका पुण्य है परमात्मा वह मैं तुझे देता हूं, तू उसे दे ताकि उसका ये पाप जो उसे बार बार उसके मन को प्रेरित कर रहा है इस भौतिक कामना की पूर्ति के लिए, परमात्मा वह उसका पाप शिथिल हो जाए, वह उसका पाप नष्ट हो जाए। ऐसी उच्च भावना वाली प्रार्थना परमात्मा के दरबार में कीजिएगा औरों के लिए। बच्चियां पत्र लिखती हैं, मेरे कारण मेरे मां बाप को बहुत चिंता है, ये उनका कहने का ढंग है, मेरा विवाह जल्दी हो जाए। होशियारी के पत्र हैं ये, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको ऐसा पता लगे। हां परमात्मा, हर चीज की आयु होती है, इस ढंग से परमात्मा को कहिएगा, परमात्मा देव मैं समझा नहीं रही आपको, मैं मात्र याद दिला रही हूं, देवाधिदेव आप ही कहते हो हर चीज की आयु होती है, जिस आयु में पढ़ाई हो सकती है उसी में व्यक्ति यदि पढ़े तो कुछ बन जाता है, बूढ़े होके पढ़ाई नहीं होती। हां तेरा अपना विधान है परमात्मा, तूने निश्चित कर रखा है कि अमुक लड़की का विवाह कब होगा, किससे होगा, कहां होगा, हमें पता नहीं, क्योंकि पता नहीं इसीलिए बेचारे वे बहुत परेशान हैं, बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, परमात्मा उनकी निराशा दूर कर।